हाथ जोड़ के घुसा चोर शिवलिंग से नाग देवता को चुरा कर ले गया। सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, देखे आगे की कहानी गुनहगार में। आपने क्या कभी ऐसी चोरी देखी है जिसमें चोर भक्ति भाव से चोरी करता हो? जी हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसी ही चोर की क्राइम स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो गुनहगार में। मैं हूँ आपके साथ जुहैब नसीब। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहाँ मेरठ के एक मंदिर में चोर ने बड़े भक्ति भाव से चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मंदिर में दोनों हाथ जोड़ कर घुसा और शिवलिंग से नाग देवता चोरी कर ले गया। चोर एक थैला भी लिया हुआ था, जिसमें वो नाग देवता की मूर्ति को डाल के ले गया। बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर तांबे की बनी नाग देवता की मूर्ति थी। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में है। दरअसल मेरठ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर मंदिर में घुसा और फिर हाथ जोड़े और बड़े भक्ति भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। नाग देवता की मूर्ति तांबे की बनी हुई थी। घटना मेरठ के थाना भावनपुर इलाके के अब्दुल्लापुर की है, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसी मंदिर में मंगलवार की दोपहर को चोरी हुई थी। वही मंदिर में जब भक्त पूजा करने गए तो शिवलिंग से नाग देवता को गायब देखकर हैरान रह गए। इसके बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किए गए तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आया। इस मामले में मेरठ के एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि अब्दुल्लापुर में एक मंदिर है, जहां एक शख्स सीसीटीवी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वह मंदिर में पहुंचा और पूजा की। पूजा के बाद नाग देवता की मूर्ति को चोरी कर लिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर की पहचान की जा रही है और हर हाल में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो अभी आपने देखा कि चोर कितना शातिर है। चोरी करने से पहले उसने भगवान की पूजा भी की, ताकि लोगों को शक ना हो सके। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर क्राइम की नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें एन भारत।